वेलकम बैक ऑन देशभगत रेडियो। आप आर्टन के साथ हैं, शो चल रहा है सिटी लाइफ। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे बीच में मौजूद हैं सेव एस्ट्रो फर्म से। इनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सेव एस्ट्रो की 3 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, सेव एस्ट्रो चैनल, सेव एस्ट्रो ग्रुप और सेव एस्ट्रो वेब के नाम से। ये आप डाउनलोड करें, सीधा जुड़ें। पर फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे आचार्य जी कि शनिदेव किन राशियों पर किस तरीके से सेहत पर प्रभाव डालते हैं, प्लीज बताएं। देखिए, अब जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं मकर, कुंभ और मीन की। हाँ जी, इससे पहले जो भी श्रोतागण है मैं उनको बता दूं कि मकर, कुंभ और मीन, इनमें से 2 राशियां मकर और कुंभ शनि की अपनी राशियां हैं और कुंडली में 10वीं और 11वीं इनको संज्ञा दी गई है। अब मकर राशि का या मकर लगन का शनि हो तो जातक के अमूमन जो है घुटनों तक चीजें दर्द करती हैं। घुटने जो हैं मकर राशि के अनुसूर होते हैं और इनके रूप में घुटनों के दर्द से व्यक्ति को दिक्कत रहती है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के ना घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं वृद्ध अवस्था में, आपने देखी, नोटिस की बात। हाँ जी, बुजुर्गों के हमारे नाना नानी हो, हमारे ना दादा दादी, उनके घुटने बाहर की तरफ आ जाते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं मकर 10th में होना है क्योंकि वो उसमें बढ़ा देता है उस चीज को। तो घुटनों में सोजिश दे देना, घुटनों में चर्बी अधिक दे देना, घुटनों में सोजिश देना, चर्बी देना या रेशा बोलते हैं ना, रेशा जम गया, वो चीज देता है जब भी 10th हाउस में शनि होता है। अमूमन ये व्यक्ति सारे ही शरीर में हल्के दर्द से परेशान रहता है पर घुटनों की, टखनों की दिक्कत से ज्यादा आती है और नसें खिंच जाती हैं। 10th हाउस के शनि वाले व्यक्ति को जब भी आराम मिलेगा तो छोटी उम्र के डॉक्टर या वैद्य से मिलेगा क्योंकि ये विचाराधीन बातें हैं कि 10वीं राशि का शनि व्यक्ति को कंजूस, मैंने बताया था पहले, बना देता है, कंजूस बना देता है और कंजूस होने के साथ साथ वो व्यक्ति को विचारणीय भी बनाता है, पुराने ख्यालों का बनाता है। तो उसको जब भी आराम आएगा छोटी उम्र के डॉक्टर, वकील और शादल से आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बात है। अब आती है बात कुंभ की। कुंभ भी शनि की राशि है। कुंभ राशि या लगन में जब भी व्यक्ति का शनि होगा तो जातक बार बार जो है स्वयं घात करेगा, मतलब से गलतियों से चोट लगती रहेगी, उसका खून का रिसाव जरूर होगा। जब भी 10th हाउस में शनि आ जाए तो हम बोल देते हैं अमूमन कि आपके बेटा ने छोटे से बहुत चोटें खाई हैं, अब भी एक्सीडेंट से ध्यान रखिएगा। जब भी गोचर में शनि आता है तो जातक कहीं ना कहीं उसका मन भी कमजोर होता है 11th हाउस में आने से। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है। शनि जब उसका 11th हाउस में होता है या कुंभ में होता है, घड़े में होता है, तो उसके बाद शनि उस पर प्रभाव देता है मांसपेशियों पर, शनि उसके प्रभाव देता है त्वचा पे, त्वचा के भी रोग शनि उसे दे देता है, मांसपेशियां कमजोर कर देता है उसकी, ये देता है उसे कुंभ वालों को। और मीन की बात करें, मीन राशि वालों पे जब भी शनि उस राशि में होगा तो वो उसे फूड पॉइजन करवा देता है, ठीक, यूरिन से संबंधित दिक्कतें करवाएगा और जातक को छोटे छोटे रोग देता रहेगा, देता रहेगा, मतलब उसका खर्चा बीमारी पे, दवाई पे होता रहेगा। मीन का शनि, ये बात स्मरणीय है कि व्यक्ति को कोई भी ऐसा गंभीर रोग नहीं देता जैसे कैंसर, टीबी या कुछ। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हार्ट की प्रॉब्लम दे देता है, उसे रेस्ट के लिए बोला जाता है, पर 12th हाउस का शनि ज्यादा गंभीर रोग मैं नहीं बोलूंगा देता है, पर दवाई खिलाता है, पर लंबी लंबी बीमारियों से बचाता है, पर भय पैदा करता है, ये है शनि की माया। अब शनि के रोगों से बचने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको जो भी आपकी राशि है उसके अनुरूप आप उपाय कीजिए शनि के, पर वार शनिवार चुन लीजिए, आपके लिए फल देने वाला है। ओके, ये बात हो गई राशियों की कि शनि देव किस राशि पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। और भी कई बातें होंगी पर फिलहाल वक्त हो चुका है दीपक जी के जाने का। इनसे अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इनका नंबर